वहीं रांची के रिम्स में निजी कंपनियों के माध्यम से लगभग 800 स्वास्थ्य कर्मियों की कॉन्ट्रैक्ट पर हुई नियुक्ति मामले में एएनएम कर्मियों ने मंगलवार को अधीक्षक कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। एएनएम ने दावा किया कि सभी को यह आश्वासन दिया गया था कि अगले एक साल तक रिम्स में सभी को काम दिया जाएगा, लेकिन रिम्स प्रबंधन के द्वारा सोमवार को अचानक ही 125 एएनएम कर्मियों को काम से हटा दिया गया। इस मामले में डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर संजय कुमार ने आश्वासन दिया है कि अगले 3 महीने तक सभी एएनएम कर्मी काम करेंगे, उसके बाद ही अगले कार्य आदेश पर विचार किया जाएगा। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। जो भी फ्रंट वर्कर हैं, आप तो एएनएम जीएनएम की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि शमशान में जिन लोगों ने शवों का अंत्येष्टि किया है, कब्रिस्तान में जिन लोगों ने शवों को दफनाया है या ग्रेवयार्ड में शवों को दफनाया है, और वो ऐसे पुनीत कार्य करते हुए यदि वो फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में, यदि परमात्मा ना करे लेकिन यदि वो उनकी मौत होती है, तो उनको भी हम 25 लाख रुपया राज्य सरकार उसको मुआवजा देगी। हमको ये जानकारी होगी कि साहब यदि उसमें उसकी मौत हुई है तो उसके परिवार को ठीक और जीवन यापन के लिए सरकार 25 लाख रुपया देगी। साथ में जितने भी लोग की मृत्यु हुई है, हम हर परिवार को 25,000 रुपया भी देंगे कोविड में जिनकी मृत्यु हुई है।